सो थर्ड पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जब दाना गुस्से में चामिन को थप्पड़ मार देती है और चामिन भी चुपचाप उसका थप्पड़ सह लेता है, जबकि जयरिम और डोओ की सब देख रहे होते हैं और दाना बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। चामिन जयरिम की मदद करता है और अपने कोट को उतार कर उसे पहना देता है और उसका हाथ पकड़ कर उसे अपने साथ अपने ऑफिस में ले आता है। तब जयरिम चामिन से पूछती है कि तुमने दाना के थप्पड़ का जवाब क्यों नहीं दिया और क्यों चुपचाप वहाँ खड़े रहे। चामिन उसे बताता है कि दाना उसकी फियांसे है लेकिन सिर्फ बिजनेस पार्टनर के तौर पर, बाकी उन दोनों का कोई रिलेशनशिप नहीं है और न ही वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन शायद आज दाना किसी बात से उससे नाराज है। उसके बाद जयरिम चामिन से कहती है कि तुमने सबके सामने मेरी मदद की, इसलिए दाना को जालस फील हुआ होगा और इसलिए उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया। अब तुम्हें भी उसके पास जाकर इस मामले को सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। तो तब चामिन कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, दाना मेरी फियांसे है लेकिन हमारे बीच प्यार जैसा कुछ नहीं है, हम सिर्फ बिजनेस पार्टनर्स हैं और सच कहूँ तो मुझे बिजनेस में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं तो दाना को मनाने से रहा। उसके बाद चामिन वॉशरूम में जाता है अपने कपड़े साफ करने के लिए कि तभी दोओक भी वहाँ आ जाता है और चामिन से कहता है कि तुम जयरिम की इतनी केयर क्यों कर रहे हो, क्या तुम उसे पसंद तो नहीं करने लगे? अगर ऐसा है तो उसे भूल जाओ क्योंकि उसमें और तुम में कोई कंपैरिजन नहीं है, वो तो बस एक मामूली लड़की है और तुम एक रईस खानदान के वारिस, इसलिए अपने सोशल स्टेटस को खराब मत करो और उसे भूल जाओ। चामिन दोओक से कहता है, तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों हो रही है और तुम मुझे ज्ञान देने वाले होते कौन हो और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि जयरिम एक मामूली लड़की है जिसका कोई फ्यूचर नहीं है। फिर चामिन दोओक से कहता है कि तुम अपने काम से काम रखो बजाय किसी को ज्ञान देने के। फिर पार्टी में जयरिम उस बदतमीज लड़की रीना के पास जाती है और उसे सॉरी कहती है और कहती है कि उसकी वजह से उसकी ड्रेस खराब हो गई थी, लेकिन वो लड़की जयरिम को सॉरी कहने पर ताना मारती है और कहती है कि तुम छोटे लोगों की सोच भी छोटी होती है, तुम्हें बस अमीर लड़कों को फंसाना आता है और कुछ नहीं। वो बदतमीज लड़की जयरिम को वॉर्न भी करती है कि तुम दोओक से दूर रहो और बार बार दोओक के सामने ना आओ क्योंकि तुम चाहकर भी दोओक का दिल नहीं जीत सकती, इसलिए अपनी औकात में रहो। ये सब बातें सुनके जयरिम को बहुत बुरा लगता है और वो रोते हुए वहाँ से जाने लगती है। तभी चामिन उसे रोते हुए देख लेता है और उससे पूछता है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, क्या फिर से किसी ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की है? तो जयरिम उसे जवाब देती है कि किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा, मुझे वही मिला जो मैं डिजर्व करती हूँ, मेरी ही गलती है कि मैंने इतने ऊंचे सपने देखे। तो ये सुन चामिन जयरिम से कहता है कि मैं तुम्हारी लाइफ को चेंज कर सकता हूँ, इसलिए मुझ पर भरोसा रखो। उसके बाद चामिन उसके और करीब आता है और उसे कहता है कि अपनी आंखें बंद करो। जयरिम पूछती है कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो? चामिन कहता है, मुझ पर भरोसा रखो और अपनी आंखें बंद करो। जयरिम जब जैसे ही अपनी आंखें बंद करती है तो तभी चामिन उसे किस कर देता है। सभी लोग ये देखकर हैरान रह गए थे। दो भी ये सीन देख रहा होता है और कहता है, मैंने कहा भी था इससे कि जयरिम से दूर रहे, लेकिन ये उसका उल्टा कर रहा है। उसके बाद चामिन जयरिम का हाथ पकड़ कर उसे बाहर ले आता है। बाहर आने के बाद जयरिम चामिन से पूछती है कि उसने उसे सबके सामने किस क्यों की, जिस पर चामिन जवाब देता है कि तुमने ही कहा था कि मैं जो करना चाहता हूँ कर सकता हूँ, अब सभी की नजरें तुम पर होंगी और सभी लोग तुमसे इज्जत से बात करेंगे क्योंकि उन सभी को ऐसा लगेगा कि हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। तो तब जयरिम कहती है कि तुमने उल्टा मेरी मुश्किल और बढ़ा दी है, अब मैं सबका सामना कैसे करूंगी और ऑफिस के लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। उसके बाद जब जयरिम घर आती है तो वो देखती है कि सूजिन का एक कॉलीग जिसका नाम रेहान है पहले से ही वहाँ मौजूद था। वो कॉलीग सूजिन की मॉम के साथ अच्छी बॉन्डिंग बना चुका था। जयरिम के आने पर सूजिन की मॉम जयरिम से रेहान को इंट्रोड्यूस करती है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि जयरिम उसे पहले से ही जानती थी। रेहान भी इशारा करता है कि जयरिम को उसे सपोर्ट करना चाहिए और जयरिम चुपचाप उसका साथ देती है। सूजिन की मॉम बताती है कि रेहान जयरिम की सिस्टर सूजिन को पसंद करता है और उसके लाए हुए गिफ्ट्स भी दिखाती है। सूजिन की मॉम को गिफ्ट्स बहुत पसंद आते हैं और वो कहती है कि सूजिन ने ये गिफ्ट्स बहुत अच्छे से चुने हैं। रेहान सूजिन और उसकी मॉम की इतनी अच्छी बॉन्डिंग देखकर कहता है कि अगर सूजिन की मॉम इतनी कूल नहीं होती तो वो कभी सूजिन के साथ न होता। ये सुनकर सूजिन की मॉम और भी ज्यादा खुश हो जाती है और सूजिन से पूछती है कि क्या तुम्हें रेहान पसंद है, जिस पर सूजिन अपनी मॉम से कहती है, अगर आपको रेहान पसंद आया है तो मुझे भी पसंद है। सूजिन की मॉम इस वक्त प्रेग्नेंट थी और इसलिए उन्हें प्रेगनेंसी के दौरान मसाज की जरूरत होती थी और रेहान उसे मसाज ऑयल देने लगता है, लेकिन सूजिन की मॉम को उनके हस्बैंड की याद आने लगती है और वो कहती है कि अगर मसाज कोई और करता तो अच्छा होता, और अपने हस्बैंड की तस्वीर देखती है। तभी जयरिम कहती है कि आज से मैं आपकी मसाज कर दिया करूँगी, लेकिन सूजिन की मॉम कहती है कि नहीं, उन्हें मसाज करने के लिए ज्यादा ताकतवर इंसान चाहिए। तब जयरिम की दूसरी सिस्टर हवा जिन कहती है, ठीक है,
मैं ज्यादा ताकतवर हूँ इसलिए मैं आपकी मसाज करूँगी। जिसके जवाब में जयरिन कहती है, अगर तुम इतनी ताकतवर हो तो अपनी ताकत का यूज भैंसों को पकड़ने में करो। और उन दोनों में बहस शुरू हो जाती है। तभी सूजिन की मॉम जयरिन से पूछती है कि क्या वो कुछ खाएगी। सूजिन की मॉम डॉक्टर रेहान के लाए हुए बीफ के बारे में बताती है, लेकिन हवा जिन कहती है कि बीफ बचा हुआ है, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। उसके बाद सूजिन की मॉम वो बीफ खाने के लिए लाती है और हवा जिन जयरिन को खिलाने लगती है ताकि वो खुद भी उसमें से खा सके। दूसरी ओर चामिन अपनी फाइट की प्रैक्टिस कर रहा होता है और उसका टीचर उसे पकड़ लेता है। टीचर पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है और उसका ध्यान फाइट पर क्यों नहीं है। तो चामिन बताता है कि वो एक लड़की को लाइक करता है, लेकिन वो लड़की सिंड्रेला बनना चाहती है और इसलिए वो उस लड़की के साथ शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि वो अपने डैड जैसा नहीं बनना चाहता, जिससे उसकी मॉम ने सिर्फ पैसों के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद जयरिम अपने काम के लिए आती है और सोचती है कि आज चामिन से उसका सामना न हो, लेकिन उनका सामना हो जाता है और चामिन उससे बात करता है। वो पूछता है कि क्या वो अभी भी गुस्से में है। जयरिन कहती है कि वो उस बात को भूल चुकी है और उसके लिए वो कोई बड़ी बात भी नहीं थी जो उसे याद रखा जाए। और वैसे भी तुम्हारी किस बिल्कुल वर्म की तरह थी जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। और इतना बोलकर जयरिन वहाँ से चली जाती है। लेकिन चामिन सदमे में होता है और अपने लिप्स को टच करता है और सोचता है कि जयरिन ने ऐसा क्यों कहा, और कहता है कि जयरिन को उसकी फीलिंग्स की कोई कद्र ही नहीं है। जयरिन के कलीग्स उससे पूछते हैं कि उसका और बॉस चामिन का क्या चक्कर चल रहा है। जयरिन बताती है कि बॉस उसके लिए सिर्फ बॉस है और उस दिन जो हुआ वो बस एक हादसा था और कुछ नहीं, और उन दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है जो बाकी सब सोच रहे हैं। दूसरी ओर चामिन से भी लोग सवाल कर रहे होते हैं और उसकी वीडियो भी बनाई जा रही थी और उससे पूछा जा रहा था कि क्या वो और जयरिन एक दूसरे को लाइक करते हैं। चामिन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो लोग मानने को तैयार ही नहीं थे। इन सबके बाद चामिन बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, इसलिए वो जेंग के पास जाता है और उससे बात करता है। जेंग उसे खाना का ऑफर करती है और वो स्पाइसी खाना खाने लग जाता है और पूछता है कि तुम्हें लगता है कि मेरी किस वर्म की तरह हो सकती है। ये सुन जेंग उसे कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम इतने अजीब सवाल क्यों कर रहे हो। और दूसरी ओर जयरिम अपने ख्यालों में होती है और चामिन को याद करती है। तभी उसके पास दोओक आता है और पूछता है कि उसका और चामिन का रिश्ता क्या है। जयरिम कहती है कि वो बस उसका बॉस है और कुछ नहीं। जयरिम दोओक को चाय ऑफर करती है, लेकिन वो उसके हाथ पर ही गिर जाती है और दोओक उसके हाथ पर आइस लगाने लगता है और पूछता है कि क्या चामिन ने उसे ड्रंक होकर किस किया था। तब जयरिन कहती है हाँ, चामिन ड्रिंक करने के बाद अपना होश खो देता है और उस दिन जो कुछ भी हुआ वो उसने ड्रिंक्स की वजह से किया था, वरना हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। और कहती है कि चामिन अक्सर ड्रिंक्स के बाद अजीब हरकतें करता है। ये सुनके दोओक उससे कहता है कि वो उसे और अच्छे से जानना चाहता है और उसे अपने स्टूडियो में इनवाइट करता है। चामिन जब ये सुनता है तो वो गुस्से में आ जाता है और जयरिम से कहता है कि वो दोओक से दूर रहे। तब जयरिम चामिन से कहती है कि वो एक बार और उसे किस करना चाहती है ताकि वो कुछ कंफर्म कर सके। चामिन उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम ये क्या बोल रही हो। तभी जयरिम चामिन से कहती है कि तुम अपनी आंखें बंद करो। और फिर जयरिम चामिन के करीब आती है और उसकी आंखों में देखकर बोलती है कि क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर हमारे बीच फीलिंग सच में होती तो क्या होता। चामिन हंसते हुए कहता है कि अगर ऐसा होता तो शायद मैं अब तक पागल हो चुका होता। जयरिम अपनी आंखें बंद करती है और जैसे ही कुछ करने वाली होती है कि चामिन खुद को रोक कर कहता है कि नहीं, मुझे खुद पर कंट्रोल करना होगा, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। वो मुड़कर दूसरी तरफ देखता है और कहता है तुम क्या चेक करना चाहती थी। जयरिम मुस्कुराते हुए कहती है बस ये देखना चाहती थी कि तुम कितने पागल हो सकते हो। तभी चामिन जयरिम के पास आता है और कहता है तुम्हें इस तरह से दोओक से मिलने नहीं जाना चाहिए, पहले तुम अच्छे से तैयार हो जाओ। ये कहकर वो उसे शॉपिंग के लिए ले जाता है और कहता है कि तुम जो भी लेना चाहती हो ले सकती हो, बिल में पे कर दूंगा। तो जयरिम कहती है कि मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं जैसी हूँ वैसी ही ठीक हूँ। तो चामिन हंसते हुए कहता है कि तुम्हें अपने आप को थोड़ा कम स्पेशल महसूस करवाना चाहिए। शॉपिंग के दौरान जयरिम बहुत सारी ड्रेसेस ट्राई करती है, लेकिन उनमें से कोई भी चामिन को पसंद नहीं आती। एक ड्रेस में तो जयरिम खुद भी अनकम्फर्टेबल महसूस करती है। चामिन कहता है कि मुझे पता था कि तुम्हारी चॉइस कैसी होगी, इसलिए मैंने भी कुछ ड्रेसेस चुनी है तुम्हारे लिए। वो खुद से ड्रेसेस खरीद लेता है और जयरिम को टैक्सी में बैठा देता है। जयरिम कहती है इतना सब करने की जरूरत नहीं है, मैं इन्हें कहाँ रखूंगी। तो चामिन हंसते हुए कहता है कि देखो टैक्सी में सब आ जाएगा और तुम्हें बस यही सब पहनना है दोओक के सामने। ये सब देखकर जयरिम सोचती है कि चामिन के दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, वो बस दोओक को पाने में मेरी हेल्प कर रहा है। चामिन ने उसके के लिए एक लेटर भी रखा हुआ था।
वो अपने ऑफिस में बैठकर जयरिन के बारे में सोचता है और टेंशन में होता है कि दोओक और जयरिन के बीच क्या हो रहा होगा। दोओक जयरिन का काफी अच्छे से स्वागत करता है और कहता है कि मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता था। जयरिन सोचती है कि दोओक उसे किस करने वाला है, लेकिन फिर अचानक एक आवाज आती है और दोनों पीछे हट जाते हैं। दोओक का बड़ा भाई छुपकर बैठा होता है और आवाज सुनकर बाहर आ जाता है। दोओक उसे वहां देखकर काफी गुस्सा होता है और वो उससे पूछता है कि तुम यहां क्या कर रहे हो, यहां से बाहर निकलो। तब दोओक का भाई जयरिन के सामने दोओक की बुराई करता है और कहता है कि दोओक अपने आप को फिल्म मेकर कहता है, लेकिन उसने आज तक कोई खास स्टोरी नहीं लिखी। उसके बाद वो जयरिन को दोओक की नोटबुक देता है जिसमें दोओक ने फिल्म स्टोरी लिखी हुई थी और कहता है कि जयरिन तुम गलत लड़के को डेट कर रही हो, दोओक का कोई फ्यूचर नहीं है। ये सब सुनकर दोओक बहुत सैड हो जाता है। तब जयरिन उससे कहती है तुम्हें अपने आप को दिखाना होगा कि तुम असल में क्या हो, तुम अपना काम करते रहो, एक दिन तुम्हें कामयाबी जरूर मिलेगी। इसके बाद जयरिन दोओक को उसकी नोटबुक देती है और वहां से बाहर निकलती है। तभी चामिन उसे देख लेता है और जल्दी से उसे कॉल करता है, लेकिन जयरिन उसकी कॉल कट कर देती है। ये देखकर चामिन कहता है कि इस लड़की को जो चाहिए था वो इसे मिल गया है, फिर अब यह इतनी अपसेट क्यों लग रही है और इसने मेरा कॉल क्यों काटा, आखिर इन लड़कियों को क्या चाहिए होता है। दूसरी तरफ दोओक सोचता है कि जयरिन ने उसे कॉन्फिडेंस दिया है कि वो अपने आप को एक्सेप्ट करे और मोटिवेट होकर अपने नोवेल को बुकशेल्फ में रख देता है। अब अगले दिन सुबह सुबह चामिन क्लब के एंट्री पर आ जाता है और अपने एम्प्लॉइज का वेलकम करता है। सभी को ये काफी अजीब लगता है, लेकिन चामिन यहाँ पर जयरिन का वेट कर रहा होता है ताकि वो दोओक और जयरिन की कल की डेट के बारे में पूछ सके। और तभी जयरिन वहाँ आ जाती है और वो फौरन उसके पास जाता है, लेकिन जयरिन उसे हेलो कहकर वहाँ से चली जाती है और उसके पीछे से दाना भी आ जाती है, लेकिन चामिन उसके साथ ज्यादा बात नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद दाना लंच करने बैठी होती है और जयरिन उसे खाना सर्व करती है। दाना जो उसे देखकर गुस्से में होती है वो उसे कहती है कि चामिन और मैंने बैट लगाई है कि हम लोग तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का देखकर तुम्हें यहाँ से जल्दी भेज देंगे, और कहती है कि तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम जल्दी से यहाँ से चली जाओ। दाना की बातें सुनकर जयरिन चुप हो जाती है। दाना सोचती है कि वो उसे नीचा दिखा रही है, लेकिन जयरिन उसे मुंह तोड़ जवाब देकर चुप करा देती है। उसके बाद हम जयरिन को देखते हैं जो पहले दोओक की बातों के बारे में सोच रही होती है कि उसने कहा था कि मेरे जैसे लोगों को यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया जाता, और फिर वो दाना की बात के बारे में सोचने लगती है कि चामिन मुझे बस एक खिलौने की तरह यूज कर रहा है। तभी वहाँ पर चामिन आता है और वो देखता है कि जयरिन बहुत सैड है। वो जयरिन से कहता है कि क्या हुआ, तुम इतनी मायूस क्यों हो, तो जयरिन कहती है कि मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती। तो चामिन कहता है कि तुम मुझे बताओ कि क्या बात है, तो जयरिन कहती है कि नहीं, मैं तो तुम्हारे लिए सिर्फ एक मजाक हूँ। तो ये सुन चामिन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना मुझे अच्छा लगता है, मैं तुम्हारे साथ टाइम पास नहीं करता। तब जयरिन कहती है पहले तुमने खुद ही पार्टी में मुझे किस किया और फिर मुझे किसी दूसरे लड़के के पास भेज दिया, क्या तुम मुझे एक टॉय समझते हो, क्या तुम मेरी फीलिंग्स के साथ खेल रहे हो। तो चामिन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो सिर्फ तुम्हारी हेल्प करना चाहता था। तो जयरिन कहती है अगर तुम इस तरह से हेल्प करना चाहते हो तो मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। इतना बोलकर जयरिन वहां से चली जाती है। वही हम दाना को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होती है और अपने अंकल्स को कॉल करती है और कहती है कि तुम जयरिन को किडनैप करो ताकि मैं उसे अपने रास्ते से हटा सकूं। फिर हम जयरिन को देखते हैं जो घर जा रही होती है और तभी वहां पर दाना के अंकल्स आ जाते हैं और उसे किडनैप करके वहां से ले जाते हैं। फिर जयरिन की फ्रेंड सियोन को देखते हैं जो कि जयरिन का वेट कर रही होती है, लेकिन काफी देर होने के बाद भी जयरिन जब नहीं आती तो फिर वो उसे देखने के लिए चिंगडाम हेवन जाती है और वहां पर वो चामिन को देखकर पूछती है कि क्या आप जयरिन के बॉस हो। तो चामिन कहता है कि हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता। तो वो कहती है कि मैं जयरिन की फ्रेंड हूँ, लेकिन वो है कहाँ पर, मैं काफी देर से उसे ढूंढ रही हूँ, क्या आपको पता है वो कहाँ पर है। तो चामिन को याद आता है कि जयरिन ने उससे कहा था कि वो उसके काम में टांग ना अड़ाए, इसलिए वो कहता है कि मुझे नहीं पता, मेरा इससे क्या लेना देना है। उसके बाद हम उन आदमियों को देखते हैं जो कि जयरिन को एक जगह पर ले आते हैं, उन्होंने उसे बांध कर रखा हुआ था। जयरिन उनसे कहती है कि मुझे छोड़ दो, मेरे पेरेंट्स नहीं है, तुम्हें मेरे बदले में कोई पैसे नहीं मिलेंगे। तो वो कहते हैं कि तुम्हारे ऑर्गन्स बेचकर हमें पैसे मिल सकते हैं, वैसे भी आजकल टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो चुकी है। तो वो कहती है लेकिन मेरे ऑर्गन्स भी बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है। तो वो कहते हैं इसके बारे में तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और फिर तभी उन दोनों को भूख लग जाती है और वो कुछ खाने के लिए चले जाते हैं, और वही जयरिन अपनी फ्रेंड को कॉल करने की कोशिश कर रही होती है। वही हम चामिन और सियोन को देखते हैं, वो सियोन को कहता है कि तुम अपना फोन टेबल पर रख दो,
क्योंकि उसे लगा था कि शायद जयरिम उसे कॉल कर सकती है। तो सियोन ऐसा ही करती है और तभी उसे जयरिम की कॉल भी आ जाती है और वो रोते हुए कहती है कि मुझे किडनैप कर लिया गया है। तो चामिन उससे बात करने लगता है और पूछता है कि तुम कहाँ पर हो, मुझे बताओ, मैं तुम्हें किसी भी हालत में ढूंढ निकालूंगा। और वो गाड़ी लेकर जयरिम को ढूंढने के लिए निकल जाता है। साथ ही एक पास्ट के सीन को याद करता है कि कोई बचपन में उसे भी किडनैप कर रहा था। वो काफी डरा हुआ था और यह सोचकर चामिन और ज्यादा डर जाता है और कहता है कि प्लीज जयरिम तुम बिल्कुल सेफ रहना। वही हम जयरिम और उन आदमियों को देखते हैं जो जयरिम को कह रहे होते हैं कि तुमने हमारी दाना को तकलीफ देने की कोशिश की है। तो जयरिम कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुमने गलत लड़की को पकड़ लिया है। तो वो कहते हैं कि हमें नहीं लगता कि हमने किसी गलत लड़की को पकड़ा है और हमने दाना को पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, हम दाना को बिल्कुल भी सैड नहीं देख सकते। तो जयरिम कहती है कि अगर ऐसा ही है तो फिर तुम्हें चामिन को यहाँ पर लेकर आना चाहिए था, मुझे क्यों लेकर आए हो। तब वो लोग कहते हैं कि अगर तुम यहाँ से बाहर जाना चाहती हो तो तुम्हें चिंगडाम हेवन की जॉब को छोड़ना होगा। ये सुनकर जयरिम कहती है कि मैं ऐसा नहीं करूँगी, मुझे इतनी मुश्किल से जॉब मिली है। तो तब वो लोग ट्रिमर निकाल कर जयरिम के बाल शेव करने की कोशिश करते हैं और जयरिम चिल्ला रही होती है कि मैं इसी साल शादी करना चाहती हूँ, गंजी होने के बाद तो मैं मॉन्क बन जाऊंगी, तो मुझसे कौन ही शादी करेगा। लेकिन वो नहीं रुकते और तभी वहाँ का दरवाजा टूटता है और वहाँ पर चामिन आता है और उन दोनों की काफी अच्छे से धुलाई करता है। और फिर वो जयरिम को कहता है कि मैं काफी ज्यादा डर गया था, क्या तुम ठीक हो। और इसके साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।